हेयर कट करेंगे पास के सैलून में जाके एंड कलर भी करेंगे। हमने देखो घर पे सेल्फ सर्विस करके अपना पैसा कितना बचा लिया। हम लोग फालतू में हेयर पैच सेंटर में जाके 500-600 रुपए सर्विस चार्ज के पे करते हैं। हेयर पैच लगा लिया आपने। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी विक्की। सो आई होप ऑल आर यू गुड एंड फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों ये सच्चाई है और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है और काफी एरिया में बाल्डनेस हो गई है, हम गंजे हो गए हैं, काफी सारा एरिया खाली खाली सा दिखाई देता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा हमारा लूज रहेगा, चाहे हम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, स्टाइलिश रह लें, बट जब हमारे सर पे बाल ही नहीं होंगे तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी मेरी तरीके से नेचुरल ह्यूमन हेयर पैच यूज करिए और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट अप रखिए। दोस्तों मुझे हेयर पैच यूज करते हुए 18 महीने और लिटरली गाइज अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। एंड मैं सारे एक्सपीरियंस वीडियो आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे भी आप लोगों की डिमांड होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों हम हेयर पैच की सर्विस घर पे करेंगे और पूरी टोटली सर्विस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हेयर्स हैं ये बड़े हो गए हैं और काफी ज्यादा व्हाइट भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सो हम सर्विस घर पे करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो भी सर्विस से रिलेटेड बनाया था इसी से पर्पस से, उसमें काफी प्यार मिला आप लोगों का, तो थैंक यू सो मच। ये भी वीडियो काफी यूनिक होने वाली है, इसमें हम लोग हेयर पैच में हेयर कट करेंगे पास के सैलून में जाके एंड कलर भी करेंगे। सो कलर मेरे पास घर पे अवेलेबल है तो कलर्स तो हम घर पे ही कर लेंगे। दोस्तों मैं हेयर पैच यूज कर रहा हूँ टेप मेथड में, और अगर आप हेयर पैच को ग्लू मेथड में यूज करते हैं तब भी आपको घर पे हेयर पैच की सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ग्लू मेथड में ये है कि जहां आप टेप लगाते हैं उसी के ऊपर आपको ग्लू लगाना होता है और अपने हेयर पैच को उसी एरिया में फिक्स करना होता है। सो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने जरूरतमंद भाइयों को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उनके भी काम आ सके। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको भी मेरे जैसा नेचुरल ह्यूमन हेयर पैच चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इजिली रीजनेबल रेट में हेयर पैच अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेयर पैच की सर्विस। सबसे पहले हम हेयर पैच को निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हेयर पैच को निकालने में दिक्कत होती है तो आप C22 सॉल्वेंट को भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी पुराना हैंकी यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको C22 सॉल्वेंट स्प्रे करके अपने हेयर पैच को इजिली रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको हेयर पैच निकालते वक्त दर्द होता है तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पुराने हैंकी पे आप स्प्रे करिए इस तरीके से, और जहां पर भी आपको हेयर पैच छुड़ाने में दिक्कत आ रही है वहां पे फिंगर को लगा लगा के धीरे धीरे सॉल्वेंट को लगा के आप रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों मुझे हेयर पैच टेप मेथड में अभी यूज करते हो गए 8 दिन, टेप मैंने चेंज नहीं करी है, बट अभी टाइम ज्यादा हो गया, मैं जिम भी करता हूं तो स्वेटिंग की वजह से टेप मेल्ट हो गई है, उसको इजीली निकाल लेंगे। C22 सॉल्वेंट काफी हेल्प करता है आपके हेयर पैच को निकालने में। मुझे साइड के हेयर में ज्यादा दिक्कत आती है, हेयर पैच बहुत हार्ड स्टिक हो जाता है वहां पर। सो ये दोस्तों इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो जाती है हेयर पैच निकालने के बाद। दोस्तों ये जो भी आपकी इसके ऊपर गंदगी जम जाती है आपको C22 सॉल्वेंट से आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों काफी टाइम से टेप आपके सिर पे लगी होती है तो टेप का जो ग्लू होता है वो मेल्ट होके व्हाइट व्हाइट सी दिखने लग जाता है साइड में, एंड जैसे ही आप हेड वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। सो अब हम बांध लेते हैं अपना हैंकी। दोस्तों काफी भाई लोग बोलते हैं भैया हम लोग जब टेप रिमूव करते हैं अपने हेयर पैच की तो हमारा हेयर पैच कई जगह से फट चुका है। सो दोस्तों इसमें बहुत ही सावधानी से अपने टेप को रिमूव करना है, बहुत स्लोली स्लोली आपको टेप रिमूव करना है क्योंकि टेप बहुत हार्ड चिपकता है आपके हेयर पैच में, तो आपको C22 सॉल्वेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड धीरे धीरे आपको पेज को होल्ड करते हुए अपने टेप को रिमूव करना है। सो गाइज अभी हम चलते हैं सैलून में, हेयर कट कराएंगे एंड हेयर कलर हम घर पे करेंगे। सो गाइज चलते हैं घर के पास वाले सैलून पे, कराएंगे वहां पे हेयर कट। अजय भैया गुड मॉर्निंग। अजय भैया उठ जाओ। एक सब्सक्राइबर और ऐड हो गया आप मेरे। ठीक है जी भाई, ठीक है। हेयर कट करवा लिया है और हेड मसाज भी करवा लिया है चंपी के साथ में। अब चलते हैं घर पे, हेड वॉश करेंगे देन उसके बाद हेयर कलर यूज करेंगे। हेयर कलर यूज करने के बाद फिर अगेन हेड वॉश करके। अच्छी अच्छी
देखो कैमरे की तरफ, देखो कैमरे। शाम के 6 बज गए और मौसम कुछ इस तरीके से है। ओ क्या सो रहे थे आप? सो रहे थे? अच्छा, क्या किया स्कूल में आज आपने? आज बताऊं, मैं अपना चेयर पर से चढ़ के दूसरी तरफ गई थी। मैम? हाँ। मैम गिरी नहीं? वो गिर जाती तो यूं। मैम को बोलो करो, मैम सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे बोला करो। सो गाइस, हेयर कट के बाद हमने हेड को वॉश कर लिया है एंड ये हेयर पैच को भी वॉश कर लिया है। ये हेयर पैच पूरी तरीके से ड्राई कर लिया हमने। गाइस, इसको वॉश करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हम टेप इसमें से रिमूव करते हैं उसकी स्टिकनेस इस पर लग जाती है, चिपचिपाहट लगी होती है, इसलिए इसको वॉश करना जरूरी है। इसको वॉश, अब इसमें हम हल्की हल्की टेप लगाएंगे और फिर सिर पे रख के इसमें कलर करेंगे। सो ये ड्राई हो चुका है। ये अक्षी मेरे पास बैठी हुई है, देख रही है, इसको भी हेयर पैच लगा देता हूँ। कैसी लग रही है ये अक्षी? हेयर पैच लगा लिया आपने? बेटा आपके ओरिजिनल बाल आ जाएंगे थोड़े दिन में। ओके, तो गाइस आप 4 नंबर ब्राउन कलर यूज करेंगे एंड ये प्लास्टिक बाउल में हम यूज कर लेंगे कलर को। और हेयर पैच को ड्राई करने के बाद मैंने 4 छोटी छोटी रेड कलर की जो टेप है उसको लगा लिया ताकि ये सर पे थोड़ा फिक्स हो जाए। इसको लगे लगे हम कलर करेंगे। इसको इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो नेचुरल हेयर है और हेयर पैच के हेयर में जो हम कलर करेंगे वो एग्जैक्ट हो जाए, ऐसा ना है कि कहीं से छूट जाए बच जाए, इसलिए मैंने पैच को लगा लिया। अब इसको निकाल के फिर वॉश करके अगेन इस पर टेपिंग करके लगा लूँगा मैं। ओके, तो गाइस हमने हेयर कलर को वॉश कर लिया है और कलर वॉश करने के बाद साइड के हेयर में कुछ इस तरीके का लुक आता है। एग्जैक्ट लुक हमें हेयर पैच लगाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से हमें हेयर पैच का लुक आता है कलर और हेयर कट करने के बाद। हेयर पैच पूरा ड्राई हो गया है, अब हम इसमें लगाएंगे फ्रेश टेप। पहले हम रेड टेप लगाएंगे, देन उसके ऊपर येलो टेप। तो गाइस हेयर पैच में हमने टेपिंग चेंज कर ली है, अब हम हेयर पैच को लगाएंगे वही हमारी जो सेट प्रैक्टिस है। 4 उंगली हम लोग आईब्रो पे रखेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा मार्क लगा सकते हैं हेयर पैच को फिक्स करने के लिए एग्जैक्ट जगह पे। इससे पहले हम लोग लगाएंगे स्कैल्प प्रोटेक्टर, आपकी स्कैल्प पे इचिंग नहीं होने देता। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्कैल्प प्रोटेक्टर के 2-3 स्प्रे आप हेड पे अपने मार लीजिए, थोड़ा हल्का सा आपको जलन करता है बट इट्स ओके। दोस्तों हेयर पैच को आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, हार्डली थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो हेयर पैच अपना एकदम एग्जैक्ट जगह पे सेट हुआ है। अब हम इसको थोड़ा पानी लगा के सेट कर लेते हैं। ये अपना हेयर ड्रायर। गाइस हेयर पैच अपना ऑलमोस्ट सेट हो गया है, अब इसमें लगा लेते हैं सीरम और थोड़ा सा ऑयल। 4 ड्रॉप आप कोई भी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल की ले लीजिए, 2 ड्रॉप आपका सीरम एंड थोड़ा सा पानी। इसको आप मिक्स कर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से हेयर पैच में और आपके साइड के हेयर में इसको लगा लीजिए। सो गाइस फाइनली हमने हेयर पैच को दोबारा से फिक्स कर लिया घर पे सेल्फ सर्विस करके। तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है, हमने देखो घर पे सेल्फ सर्विस करके अपना पैसा कितना बचा लिया। हम लोग फालतू में हेयर पैच सेंटर में जाके 500-600 रुपए सर्विस चार्ज के पे करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कितने सिंपल प्रोसेस में आप घर पे ही सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। कुछ भाई लोग अपने कमेंट करते हैं, भैया हम लोग घर पे सेल्फ सर्विस कर तो लेंगे बट इन साइड के हेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे? तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि हम लोग पास के सैलून सेंटर में जाके हेयर कट करवा के, और अगर चाहे तो आप वहां सैलून पे भी हेयर कलर करवा सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी सेल्फ हेयर कलर कर सकते हैं किसी की हेल्प लेके। सो बड़ी सिंपल प्रोसेस है। आई होप कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा, मैंने काफी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं हमने क्या क्या किया। हमने गाइस पहले हमने हेयर पैच को स्लोली स्लोली रिमूव किया, उसमें जो पुरानी टेप जो मेल्ट हो चुकी थी उसको हमने C22 सॉल्वेंट से हमने इसको रिमूव किया एंड
हेयर कट के लिए हम लोग पास वाले सलून में गए, वहां जाके हमने हेयर कट किया, ऑयलिंग की, देन उसके बाद हमने हेयर पैच में कलर किया, हेयर कलर को वॉश किया, उसके बाद हमने हेयर पैच में अपने नई टेपिंग के साथ हेयर पैच को फिक्स कर लिया। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को काफी अपने भाइयों को शेयर भी कर देना। एंड गाइज मेरा इंस्टाग्राम लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप प्लीज फॉलो कर देना। एंड